नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लखन और आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो एक सोशल इन्फ्लुएंसर है। मतलब कि अगर आप YouTube पर, आपका चैनल है YouTube पर, वीडियो अपलोड करते हैं तो आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, या आप Instagram पर रील्स अपलोड करते हैं या Facebook पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर ही कहलाए जाएंगे। तो आप लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक इसमें आपको मैं ऐसा अपडेट बताने वाला हूँ जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया है, और दोस्तों अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो सकती है। यूँ कह लीजिए आप भाई, इसमें बहुत ज़्यादा पछताएंगे, आप पे बहुत भारी जुर्माना भी लग सकता है। चलिए मैं बताता हूँ आखिर ये अपडेट क्या आया है। और दोस्तों ये कोई यूट्यूब की तरफ से नहीं है, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया, ठीक है। क्योंकि भाई कोई भी फ़ॉरन ऐप्स हो या कोई भी फ़ॉरन जैसे कि ऐप वगैरह होते हैं मतलब, तो भैया अगर इंडियन में चलेंगे तो इंडियन के जो है रूल्स के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो भाई जुर्माना भी देना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि कोई भी बाहर की जो है ऐप वगैरह आए और हमारे खिलाफ अगर काम करे तो भाई वे इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है प्रमोट नहीं करेंगे। यूँ कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। तो कुल मिलाकर भाई भारत सरकार की जो है रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते, जैसा सरकार चाहेगी उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट ये है कि जब भी आप अपनी वीडियो पर कोई भी पेड प्रमोशन करते हैं तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेड इंक्लूड वाला, जहां पर आपको एक टिक लगाना होता है, ठीक है। आपको मैं स्क्रीन पर यहाँ दिखा दूँगा। तो अगर आपने अपनी वीडियो पर पेड प्रमोशन किया और आपने वहाँ पर टिक नहीं लगाया है तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और मुसीबत इतनी होगी कि उसका जो है आपको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जी हाँ, और आप बार बार यही गलती दोबारा करेंगे तो आपका जुर्माना डबल भी हो जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी जो कि भारत सरकार ने जो है लागू की है, और ये कानून तो पहले से ही बना हुआ था लेकिन कोई रूल फॉलो नहीं करता था, लेकिन अब ज़्यादा इस पर सख्ताई हो गई है, स्ट्रिक हो गई है गवर्नमेंट, तो अब जो है इसमें ध्यान देना ही होगा, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा भारी जुर्माना जो है देना पड़ सकता है। दोस्तों आज का जो आप मेरा बैकग्राउंड देख पा रहे हो, मैंने सोचा कहीं आज बाहर ही वीडियो शूट की जाए, तो मैं आज ऐसे ही अच्छे से नेचुरल जगह पर आया हूँ, और आप मेरे पीछे भली भांति देख रहे हो, अच्छी हवा चल रही है, मुझे आपको बताने में भी आज मज़ा आ रहा, वीडियो बनाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आज की अपडेट क्या थी और कैसे थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था कि मेरे को बस आपको इतना ही जानकारी देनी थी कि भैया अगर से पेड प्रमोशन अगर आप करोगे तो आपको वहाँ पर गवर्नमेंट को बताना होगा, रूल फॉलो करने होंगे, नहीं करोगे तो अच्छा खासा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिर्फ इतना ही है कि अगर आप प्रमोशन करते हैं या स्पॉन्सरशिप, मतलब एक ही बात है, स्पॉन्सरशिप करते हैं तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट को इसकी अपडेट देनी होगी, मतलब टिक लगा के बता देना होगा, ठीक है। तो यही मेन अपडेट था, नहीं करोगे तो जुर्माना लगेगा, ठीक है, बार बार करोगे तो डबल जुर्माना लगेगा, तो क्यों ना भैया इसमें लगा दिया जाए। ये तो आप जानते हैं, अगर फ़ौरन से पैसा आ रहा है, हम पैसा कमा रहे हैं या किसी भी थ्रू कमा रहे हैं, तो भैया गवर्नमेंट को टैक्स तो देना होता ही है। उसमें पहले होता क्या था कि भाई कोई भी जो है इस रूल को फॉलो नहीं करता था और जो है स्पॉन्सरशिप धड़ल्ले से कर लेता था, तो गवर्नमेंट को उसका टैक्स भी जो है नहीं पहुँच पाता था ठीक तरीके से। अब गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि भाई आप पेड प्रमोशन कर रहे हो और, ठीक है, और पेड जो है उसे टैक्स भी नहीं जमा कर रहे हो, ठीक है। तो भैया गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चाल होती है, कोई ना कोई रूल उसको बनाने ही पड़ते हैं भाई, क्योंकि जो है, खैर ठीक है, बस इतना ही, ज़्यादा ही क्या बोलूँ। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे आज की इस वीडियो में, बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।